नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मशीन आवर रेट। कॉस्ट अकाउंट में पढ़ाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये बीकॉम सेकंड ईयर में, किसी में थर्ड ईयर में इसको ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। तो मशीन आवर रेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उत्पन्न होती है उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, और वो प्रॉब्लम होती है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड से, अर्थात खर्चों को हम कैसे और किस अनुपात में किस खर्च को बांटें, यह एक बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख खर्चों को, मेन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और उन खर्चों को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे टिप्स। तो यहाँ पर डाल देते हैं मशीन आवर रेट। सबसे पहले नंबर पे होता है मशीन आवर रेट। आज हम मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ध्यान से देखिए, एंड तक देखेंगे, अंत तक तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। सबसे पहला खर्चा होता है रेंट, अर्थात किराया। किराया जब कोई मकान मालिक, अगर हम बात करते हैं सामाजिक तौर पर, तो मकान मालिक अगर अपने मकान को किराए पर देता है, तो किराया जितना क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा कमरा होगा, छोटा कमरा होगा, उसी हिसाब से वो किराया चार्ज करता है। तो इसका मतलब साफ पता चलता है, किराया जो होता है उसकी एरिया के हिसाब से बाँटा जाता है, या एरिया उसका बेस होता है। रेंट जो होता है एरिया के हिसाब से बाँटा जाता है। दूसरा खर्चा हम मान लेते हैं इसमें जो यूज होता है, वो होता है लाइटिंग। लाइटिंग जो होता है वह कितने क्षेत्र में लाइट जो है फैल रही है, या उसमें जो पॉइंट्स लगाए हुए हैं, कितने बल्ब हैं या कितने ट्यूब हैं, तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंटों के आधार पर भी, लाइट पॉइंट जो दिए गए होते हैं उसके आधार पर भी बांटते हैं। अगर लाइट पॉइंट है तो सबसे पहले लाइट पॉइंट के आधार पर ही बांटा जाएगा। अगर लाइट पॉइंट नहीं होगा तो उसका बेस होगा एरिया। थर्ड नंबर पर जो खर्चा यूज होगा इसमें, सुपरविजन चार्ज होता है। सुपरविजन यानी निरीक्षण लागत। निरीक्षण यानी सुपरवाइजर ही वो व्यक्ति होता है जो सुपरविजन करता है। सुपरविजन करता है वर्करों की, तो इसका मतलब ये होता है कि उन वर्करों पर उस सुपरवाइजर ने कितना टाइम दिया है, उसके हिसाब से सुपरविजन का खर्चा बढ़ता है। टाइम डिवोटेड यानी कितना समय उसने, सुपरवाइजर ने उन वर्करों के पीछे लगाया है। चौथा, कभी कभी टाइम डिवोटेड नहीं होता है, तो अगर मान लीजिए टाइम डिवोटेड नहीं दिया गया है, तो इसमें हम नंबर ऑफ वर्कर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर टाइम डिवोटेड नहीं होगा तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद अगला खर्चा होता है लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर का जो खर्चा होता है वो मोस्टली श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। श्रमिकों को कल्याण के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा श्रमिकों के हिसाब से बटेगा, यानी लेबर्स के हिसाब से बटेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से बट जाएगा, वर्कर्स या लेबर। पांचवा खर्चा होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होता है वो मशीनों का होता है। मशीनों का अगर इंश्योरेंस किया गया है तो मशीनों के हिसाब से, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंश्योरेंस है तो वह इंश्योरेंस किस टाइप का है, यह देखने वाली चीज़ है। तो हमने जो इंश्योरेंस किया है वह मोस्टली मशीनों का किया जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ मशीन, यही इसका रेशो होता है, यानी कि इसी के हिसाब से ये बटेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मशीन। कैपिटल से हमारा मतलब है मशीनों पर लगाया जाने वाला खर्च, या यूं कहिए वैल्यू ऑफ मशीन। मशीन आवर रेट को समझने के लिए बहुत बेहतरीन यह हम टिप्स दे रहे हैं आपको, और इस पर आप ध्यान देंगे तो मशीन आवर रेट का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। इसके बाद अगला खर्चा जो इसमें इस्तेमाल होता है वो होता है लुब्रिकेंट जो होता है। लुब्रिकेंट्स ये ऑयल होता है, तो लुब्रिकेंट मशीनों में लगाया जाने वाला होता है। लुब्रिकेंट जब भी इस्तेमाल किया जाता है, तेल वगैरह, तो इसके लिए बेस दिया गया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, दिए हुए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बांटा जाता है, इसका कोई बेस अपने से डिसाइड नहीं किया जाता है।
इसके बाद होता है अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज में सन्ड्री एक्सपेंसेज वगैरह भी होते हैं, तो जैसे सूचना दी होती है इन खर्चों को हम उसी हिसाब से बांटते हैं। इन्फॉर्मेशन एज गिवन, इनका कोई आधार नहीं होता है। सन्ड्री एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, ये जो होते हैं ये दिए गए होते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ बेस जरूर दिया गया होता है, हम उसी हिसाब से बांट देते हैं। इसके बाद है इनडायरेक्ट वेजेज, ये जो बांटा जाता है ये अगर दिया होता है तो इसके लिए डायरेक्ट वेजेज भी जरूर दिया होता है, उसी के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। इसके बाद 9 नंबर पे है कैंटीन एक्सपेंसेज। कैंटीन एक्सपेंसेज में जो बात होती है, कैंटीन यानी खर्चा है, ये कैंटीन का खर्चा। कैंटीन में खाता कौन है? वर्कर खाना खाता है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से इस प्रकार के खर्चे बांट दिए जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपने इसमें कुछ भी मिसयूज किया तो इसमें आप सोचेंगे कि दिक्कत हो चुकी है। इसके बाद ऑपरेटर चार्ज, ऑपरेटर चार्जेज, ऑपरेटर चार्जेज एज गिवन इन्फॉर्मेशन, इसके लिए सूचना दी होती है कि ऑपरेटर का खर्चा कैसे बांटना है। उसके बाद आता है जो खर्चे हमारे पास कुछ और बचे हुए हैं, उन खर्चों को हम और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं किस प्रकार से खर्चा उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो होते, ये तो होते हैं हमारे स्टैंडिंग चार्जेज, मोस्टली ये स्टैंडिंग चार्जेज में यूज होते हैं, क्योंकि मशीन एक्सपेंसेज में दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग चार्जेज, एक होता है मशीन एक्सपेंसेज। तो अब बात करते हैं मशीन एक्सपेंसेज की। मशीन एक्सपेंसेज 11वां नंबर का खर्चा है, और इसमें सबसे पहले नंबर पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए फार्मूला यूज किया जाता है, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेज माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ आवर्स। तो इससे हमारा जो है मशीन आवर रेट में एक घंटे का डेप्रिसिएशन का पता चल जाएगा। दूसरा नंबर है रिपेयर, रिपेयर की अगर बात करते हैं तो जितना रिपेयर दिया होगा अर्थात रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट जितनी होगी उसको बांट दीजिए नंबर ऑफ आवर से, वर्किंग आवर घंटे से, तो एक घंटे का पता चल जाएगा। मोस्टली ये सब खर्चे मशीन एक्सपेंसेज में आते हैं, तो इनको एक घंटे के हिसाब से डाला जाता है। 13 नंबर खर्चा है पावर, पावर अगर एक घंटे का दिया है तो वेरी गुड है, अगर नहीं दिया गया है तो रेट पावर का एक घंटे का इनटू, ये ध्यान रखेंगे यूनिट दिया होता है, किस यूनिट से एक घंटे में कितने यूनिट फूकी है, पावर फूका हुआ है यानी पावर यूज किया गया है, उसको रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं। इसके बाद आता है वाटर, पानी, पानी के बारे में इन्फॉर्मेशन जैसे दिया होगा हम उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है फ्यूल एंड गैस, इनके लिए भी इन्फॉर्मेशन जैसे दिया होता है, एक घंटे का दिया है तो एक घंटे का डाल देंगे। अगर मान लीजिए एक महीने का खर्चा है और एक महीने के हमारे पास आवर्स मौजूद हैं, एक महीने के खर्चे को एक महीने के आवर्स से डिवाइड करेंगे तो एक घंटे का निकल जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा ये इन्फॉर्मेशन, ये है एक प्रकार का टूल्स है, इसे टूल्स कह सकते हैं, इसको आप टिप्स कह सकते हैं, यह एक प्रकार का बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप्स है, अमेजिंग टूल्स है, जो मशीन आवर रेट में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। आप इसको अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में इसको सबसे पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे या इसी वीडियो को 3-4 बार रिपीट कर करके देखेंगे, तो आपको ये पूरी तरह से पूरा याद हो जाएगा, और याद होने के बाद तब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको पढ़ने से पहले आप सॉल्यूशन मशीन आवर रेट का मत करिए।
अब हम चालू करते हैं मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम। लेकिन अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मशीन आवर रेट के इस टिप्स को यहीं पर बंद करते हैं, और अगला जो प्रॉब्लम हम डाल रहे हैं वीडियो इसी से अटैच होगी, उसमें हम लेंगे मशीन आवर रेट की एक प्रॉब्लम जो इस वीडियो के साथ अटैच हो जाएगी। ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम मशीन आवर रेट का इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी भी बुक का कोई सा भी हो सकता है, सवाल करने का तरीका अगर आपको आता है तो आप किसी भी बुक से कोई भी सवाल किसी भी तरीके का होगा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ेंगे, और लिखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन पार्टिकुलर्स कैलकुलेट मशीन आवर रेट, देयर आर 5 मशीन्स इन द डिपार्टमेंट, 5 मशीनें डिपार्टमेंट में मौजूद है। एक मशीन की जो कीमत है जिसका हमें कैलकुलेशन करना है वो 16,000 रुपये का है, 16,000 का। उसका लाइफ टाइम जो है मशीन का लाइफ 10 साल का है। स्क्रैप 10 साल के बाद उसको कबाड़ में बेचेंगे, स्क्रैप में तो 4,000 का बिकेगा। पावर कंजम्पशन परिणाम, एक साल का पावर कंजम्पशन 15,000 रुपये है। ईच मशीन यूज 10 मिनट पर आवर कॉस्ट पर यूनिट, हर मशीन 10 यूनिट एक घंटे में पावर का इस्तेमाल करती है, और पावर का रेट है 25 पैसे प्रति यूनिट। इसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पांचों मशीनों का रिपेयर मेंटेनेंस 3,000 रुपये है। रेंट एंड टैक्स ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का रेंट एंड टैक्स जो है वो 6,000 रुपये है। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग पर मंथ, एक महीने का लाइटिंग का खर्चा 100 रुपया है। देयर आर 2 सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर हैं, सैलरी ऑफ बोथ सुपरवाइजर पर ईयर, दोनों सुपरवाइजर की सैलरी एक साल का 2,000 रुपया है। सन्ड्री सप्लाई एक साल का 1,000 रुपया है। कैंटीन एक्सपेंसेज पर ईयर एक साल का 600 रुपया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अनाप शनाप यहाँ लिखी हुई है, किसी बच्चे ने सोल्व किया होगा तो इसको इन्होंने मेंशन कर दिया, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और चेक करेंगे इस सवाल का सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ लिखना होगा मशीन आवर रेट। ध्यान देंगे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं बेस पीरियड, इस कोने पर बेस पीरियड याद रखेंगे, यह क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और यहाँ इस कोने पर लिखेंगे वर्किंग आवर, हालांकि इसमें वर्किंग आवर अभी स्पष्ट नहीं है, इसको हमें समझना होगा। अब ये सभी चीज़ें हमें मालूम रहनी चाहिए, तभी हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दो कॉलम खींचे जाएंगे, पहला कॉलम तो होगा यहाँ पर अमाउंट के, दो कॉलम होंगे, एक तो पार्टिकुलर्स का आपको पता ही है, पार्टिकुलर्स तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर एक कॉलम होगा पर ईयर या पर एनम, इसका डिसाइड हम कैसे करेंगे पर ईयर और पर एनम का, सवाल को पढ़ के देखिए। यहाँ पर सवाल में लिखा गया है, क्वेश्चन हमारे सामने जो है, इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि 5 मशीनें एक ही टाइप की डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, और इन्होंने ये कहा कि मशीन का घंटा कहीं लिखा नहीं, कितने आवर्स मशीन चली है, लेकिन उसका एक मोटा मोटा जो क्लू हमें मिला वो मिला हमारे पास पावर का, पावर का रेट वगैरह दिया है अलग, लेकिन पावर का टोटल भी इन्होंने कहा 15,000 रुपये, पाँचों मशीनों का ये पावर है, क्योंकि डिपार्टमेंट का पूरा पावर 5 मशीनों के लिए 15,000 रुपये है। हमें एक मशीन के वर्किंग आवर्स की आवश्यकता है, तो हमें जो एक मशीन का वर्किंग आवर निकालना है, ये आप वहाँ पर वर्किंग ध्यान देंगे, वर्किंग आवर इन ए ईयर फॉर ईच मशीन, एक मशीन के लिए वर्किंग आवर क्या होगा, यह ध्यान देने वाला पॉइंट है बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो है पेन की समस्या लगता है, कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पर मौजूद है वो है वर्किंग आवर, हमें चाहिए एक मशीन का, तो हमारे पास 15,000 घंटे मौजूद हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 मशीनों से, फिर डिवाइड करेंगे 10 यूनिट से,
फिर डिवाइड करेंगे 0.25 पैसे इनके रेट से। याद रखेंगे तीन चीज़ों से डिवाइड होगा ये, तीन नंबर से यहाँ आने चाहिए। एक तो मशीनों की संख्या आनी चाहिए, दूसरा उसके यूनिट्स आने चाहिए और उसका रेट आना चाहिए। 15,000 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 1200 घंटे प्राप्त होंगे। ये 1200 घंटे एक मशीन के होंगे एक साल के, क्योंकि ये जो खर्चा है 15,000 रुपये एक साल का है, 1 ईयर का। तो इसका मतलब है कि हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 1200 घंटे एक साल के हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पावर कंजम्पशन पर एनम 15,000 रुपये लिखा गया है। तो आपने यहाँ पर देख लिया, अब आपके पास जो है सहूलियत वाली चीज़ प्राप्त हो चुकी है और वो है बेस पीरियड 1 ईयर मिल चुका है और वर्किंग आवर मिला है 1200 घंटे। अब यहाँ पर हम जो डालेंगे पर एनम लिखेंगे इस तरह से और यहाँ लिखेंगे पर आवर यानी एक घंटे का खर्चा। अब ध्यान देंगे सबसे पहला नंबर स्टैंडिंग चार्जेज का होता है। यहाँ पर पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझते हुए चलेंगे। स्टैंडिंग चार्जेज सबसे पहला खर्चा। स्टैंडिंग चार्जेज में क्या क्या खर्चे आते हैं तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडिंग चार्जेज खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मशीन एक्सपेंसेज खर्चे कम होते हैं। मशीन एक्सपेंसेज में आप याद कर सकते हैं रिपेयर, पावर, वाटर, डेप्रिसिएशन। ये चार खर्चे ऐसे होते हैं जो मोस्टली मशीन एक्सपेंसेज में जाने जाते हैं। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं सब स्टैंडिंग में डाल दीजिए आँख बंद करके। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं स्टैंडिंग क्या है। देखिए ये डेप्रिसिएशन इससे निकलेगा, इसको नहीं लेंगे। पहले स्टैंडिंग की बात करेंगे, पावर भी स्टैंडिंग नहीं है, इसके बाद रिपेयर भी नहीं है, रेंट एंड टैक्सेज है। सबसे पहले नंबर पर रेंट एंड टैक्स डालेंगे, रेंट एंड टैक्स। अब देखिए क्या लिखा गया रेंट एंड टैक्स में, यहाँ लिखा है रेंट एंड टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का 6,000 रुपया रेंट एंड टैक्स है डिपार्टमेंट का। अगर सोचिए 6 महीने का 6,000 रुपये है, हमें 12 महीने का चाहिए, तो 6 महीने का 6,000 तो 12 महीने का 6 × 12, क्योंकि साल भर में 2 बार 6-6 महीने होते हैं, तो एक 6 महीने का 6,000 है, दूसरे 6 महीने का 6 × 12,000 होगा। ये एक साल का हमें प्राप्त हुआ, ये पूरे डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट कितनी मशीनें लगी हैं, 5, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे अर्थात 12,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2400 रुपये प्राप्त होता है। लिख दिया। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट लिखा गया है इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग पर मंथ 100 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग देखेंगे ध्यान से, 100 रुपये पर मंथ लिखा गया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग यहाँ पर लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये है 100 रुपये महीने। तो 100 यानी 100 × 12/5, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग जो है वहाँ डिपार्टमेंट की है तो 5 मशीनें लगी हुई हैं। अब ये आ गया 1200 को 5 से डिवाइड करेंगे 240 यानी 240 रुपये होते हैं। इसके बाद अगला खर्चा, देयर आर 2 सुपरवाइजर, सैलरी ऑफ बोथ सुपरवाइजर पर ईयर 2000। ये कहते हैं कि 2 सुपरवाइजर हैं और दोनों सुपरवाइजर की सैलरी 2000 रुपये है। ध्यान से देखेंगे सुपरविजन चार्ज भी स्टैंडिंग चार्जेज है। सुपरविजन 2000 रुपये दोनों सुपरवाइजर की एक साल की सैलरी है, और सुपरवाइजरों की सैलरी अगर 2000 रुपये है तो मशीनें कितनी लगी हैं डिपार्टमेंट में, 5। तो हमें एक ही मशीन का निकालना होता है तो एक मशीन का होता है 400 रुपीज़। इसके बाद आगे बात करते हैं सन्ड्री सप्लाई। सन्ड्री सप्लाई 1000 रुपये दिया गया है एक साल का, तो 1 ईयर का, तो हमें चाहिए एक साल का परंतु एक मशीन का चाहिए। तो सन्ड्री सप्लाई 1000 को यानी 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे सन्ड्री सप्लाई 1000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 200 रुपये होता है एक मशीन का सन्ड्री सप्लाई। कैंटीन का खर्चा है 600 रुपये, कैंटीन एक्सपेंसेस पर ईयर। अगर कैंटीन को हम बांटेंगे तो 5 मशीनों में बांटना है,
और कितने ऑपरेटर या कितने मैकेनिक कितने मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं इसके बारे में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कितने ऊपर ऑपरेटर लगाए गए हैं या कितने वर्कर हैं या कितने वहाँ पर मजदूर लेबर हैं, कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ बोला गया कि कैंटीन का खर्चा एक साल का 600 रुपया है उन पाँचों मशीनों का। कैंटीन एक्सपेंसेज 5 मशीन का 600 रुपया, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे 120 रुपया हो जाएगा। इसके बाद सारे हमारे स्टैंडिंग चार्जेज फिनिश हो गए। स्टैंडिंग चार्जेज को हम टोटल कर लेंगे। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल होता है 24, 26, 4, 30, 32, 33, 60, 3360, 3360। और हमें स्टैंडिंग चार्जेज एक घंटे का चाहिए, ये तो एक महीने का है। स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर के लिए हम 3360 को 1200 से डिवाइड करेंगे, 1200 से। तो हमें, क्योंकि हमें एक घंटे का मशीन का खर्चा चाहिए, तभी हम 1200 से डिवाइड करेंगे, तो हमें जो घंटे घंटे का खर्चा प्राप्त हुआ 2.80 रुपये 2.80 प्राप्त हुआ। अब हम मशीन एक्सपेंसेज लिखेंगे। मशीन एक्सपेंसेज में खर्च, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, पावर, वाटर। सबसे पहले नंबर पर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। डेप्रिसिएशन मशीन की कॉस्ट से रिलेटेड होता है। मशीन की कॉस्ट है 16,000 रुपये। इसका हमने फार्मूला आपको पहले दे चुका हूँ कि ये 16,000 माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ के घंटे, 16,000 इस मशीन का टोटल कॉस्ट है, माइनस 4,000 इसका स्क्रैप है। इसकी लाइफ है 10 साल और हर साल ये 1200 घंटे मशीन चलेगी। 16,000 में से 4,000, 16,000 माइनस 4,000, 12,000 आया। 12,000 को नीचे 12,000 होते हैं तो डिवाइड करेंगे तो मात्र 1 रुपया होगा। इसके बाद अगला जो खर्चा है वो है, नेक्स्ट देखेंगे पावर। पावर के बारे में यहाँ लिखा गया नीचे 10 यूनिट एक घंटे में पावर का कंजम्पशन होता है और पर यूनिट रेट 2.5 रुपये का है, तो आराम से इसको लिख देंगे पावर 10 यूनिट एक घंटे में और 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पावर का कंजम्पशन 2.5 रुपये का एक घंटे में होगा। इसके बाद रिपेयर, रिपेयर का खर्चा, रिपेयर के बारे में यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। रिपेयर लिखा है पांचों मशीनों का रिपेयर 3,000 रुपये का है और हमें एक मशीन का रिपेयर चाहिए। 3,000 अपॉन पहले 5 करके एक मशीन का रिपेयर पता लगाइए, फिर उसको 1200 से डिवाइड यानी 1200 से डिवाइड करके एक मशीन का बनाइए। तो पहले 3000 को 5 से डिवाइड करके हमने इसको एक मशीन का बनाया, फिर हमने 1200 से डिवाइड करके एक घंटे का बनाया, तो ये आया 50 पैसे। तो आपने यहाँ पर देख लिया आपका टोटल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपने मशीन आवर रेट निकाल लिया, टोटल ख़त्म हो गया और आंसर हमारा आने वाला है मशीन आवर रेट। ये हो गया टोटल, जोड़ लेंगे 2.80 रुपये, 2, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 रुपये 80 पैसे टोटल 6.80 ये रहा मशीन आवर रेट। आपने देखा किस तरीके से, कितना आसानी और कितना बढ़िया तरीके से, साफ और सफाई से हमने इसको समझाया है आपको, और आपके सामने अब ये सवाल है, ये मौजूद है। आप देखेंगे बारीकी से स्टडी करके इसको देखेंगे और बढ़िया तरीके से अच्छी और सुंदर राइटिंग में इसको आप तक पहुंचाया गया है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को और लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।